नमस्ते, मैं हूं अनूप कुमार, फॉर्मर ट्रॉफी विनिंग कैप्टन और हेड कोच। हमने प्रो कबड्डी लीग के कई सीजन खेले और कई अनगिनत यादें बनाई। आज मैं आप सबको अपने पहले मैच के बारे में बताना चाहूंगा, जहां से पीकेएल ने शुरुआत की और हमने एक नई उड़ान भरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी का सबसे पहला मैच आज मुंबई में खेला जाएगा इन दो दिग्गज टीमों के बीच। एंड वी आर रेडी फॉर दैट ऑल इंपॉर्टेंट टॉस। मुंबई वन द टॉस, द जयपुर पिंक पैंथर्स विल रेड फर्स्ट। उस टाइम तो बस एक ही बात थी दिमाग में कि भाई पीकेएल खेलना है, हमारा पीकेएल सक्सेसफुल हो, हम अच्छी परफॉर्मेंस करें। और जैसे जैसे हमारी टीम फिर मैचेस खेलने स्टार्ट किए तो एक अलग से एक टीम बहुत अच्छी बन गई थी। हमारा टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। यू मुंबा अगर आप देखोगे तीन चार सीजन तो एक मतलब कि फैमिली टाइप बोला जाता था कि एक परिवार जैसे ग्राउंड में टीम रहती है, जैसे ही खेलती है एक साथ मिलजुल के, कोई कुछ भी ऐसा अलग से दिखता नहीं था। Yes, the captain of Umumba, precisely showing them why he is their man in this competition. Just feed now into a second bit, 1 point home already. Oh! Well, we've got to wait and see. Yes, he does have a point. Fantastic work. Jasbir Singh has just revived two of their players. एक अलग से प्लेटफॉर्म था, इतनी लाइटिंग क्राउड के साथ ना, इतना और इंडोर स्टेडियम में, तो वो फर्स्ट टाइम हम खेल रहे थे ना, तो एक अलग सा थोड़ा सा मतलब एक झिझक सी होती है ना दिमाग में या मन में, उस तरीके का था। पर जैसे जैसे मैच स्टार्ट हुआ ना, मैच का फर्स्ट हाफ निकल गया, उसके बाद मतलब दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी। जसवीर सिंह, 2 out of 2 successful reads. He's been very good, not this time. That's the reason we've been promoting it so much. This is the indigenous sport of Kabaddi from the back, but he takes a kill. जो हमारा पहला मैच हुआ बहुत बड़ा मैच था, मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने देखा उस मैच को। और अगर मैं खुद की बात करूं तो हमारा खुद का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है ना, जो अलग एक्सपीरियंस था जो हमने ना कभी देखा था ना सुना था, और हम उसको सामने ग्राउंड में कर रहे थे इतनी ऑडियंस के सामने या जो लाइव जो मैच देख रहे थे उनके सामने। And he'll also get that all-important all-out, which will fetch them 2 extra points. Well, he's got one there, because Prashant has entered the lobbies. Anoop gets over the line, yes! Fantastic work by the captain. 2 points for the 2 touches, 2 points for the all-out. Fantastic work, Anoop Kumar. Rajesh again. Now, 14-7, make that 15-7. Banner's brought down. Clutch tackle there by the Umumba defense. 2010 Asian Games gold medalist. Look for that toe touch. He loves the toe touch. And he's got the toe touch, I think, there, as Anoop Kumar. Yes! Team. बहुत अच्छी थी, जितने भी प्लेयर थे ना टीम के यू मुंबा के, वो भी उस चीज पे खड़े उतरे, क्योंकि वो मेरी बात को ना प्रॉपर मानते थे। और शायद उन्हें इतना भरोसा था कि भाई अनूप अगर जो बात बोलेगा या कुछ काम करने के लिए बोलेगा या कुछ चेंज करने के लिए बोलेगा तो वो टीम के हित में रहेगा। अकेला कैप्टन भी टीम को नहीं चला सकता, जब तक हमारा टीम का कोऑर्डिनेशन नहीं होता ना, एक साथ हम मिल के बैठना, बात करना, खेलना, वो सारी चीज नहीं होगी ना तो एक कैप्टन कुछ नहीं कर सकता। कैप्टन का अच्छा रोल तभी हो पाता जब उसकी पूरी टीम उसको सपोर्ट करती है। 10-point lead in the first half. Rishant Devadiga, an easy touch. The Jaipur defense needs to pull their socks up because Mumbai are running away with this so far. Fantastic work, Rishant Devadiga. Now, it's Shabbir Bapu. We've seen one all-out for you, Mumbai, already. If he can get 2 touches here, he could get another all-out. He wants to get over the mid-line. He does! Shabbir Bapu, another all-out for you, Mumbai. 2 extra points. मुझे इस बात की खुशी थी कि पीकेएल स्टार्ट हुआ 2014 में, फर्स्ट मैच मुझे खेलने को मिला और उसी फर्स्ट मैच में मेरा सुपर 10 हुआ, तो वो सारी चीजें करने का मौका मुझे पहले ही मैच में मिला, तो ये सारी चीज मेरे लिए तो मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट थी मेरे लिए। Fantastic work, momentum here
with Jaipur late in the first half. तो एक अलग ही ना एक्साइटमेंट या अलग ही एक जुनून सा होता था कि यार जयपुर से नहीं हारना, क्योंकि पहले सीजन में टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी यू मुंबा ने, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद ना जो फाइनल मैच हारे, ट्रॉफी को हम नहीं उठा पाए, उसका हमेशा एक मलाल सा रहा दिमाग में। तो बस तब से ही ये थोड़ा सा स्टार्ट रहा कि बस जब भी हमारे जयपुर पिंक पैंथर के साथ मैच आता तो हम एक अलग ही जज्बे के साथ या जुनून के साथ ग्राउंड में उतरते थे कि भाई इस टीम के साथ हारना नहीं। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ अपनी पुरानी यादें साझा करके। मैं सभी कबड्डी खिलाड़ियों की तरफ से और अपनी खुद की तरफ से प्रो कबड्डी लीग को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हैप्पी बर्थडे प्रो कबड्डी लीग।